जी सबसे पहले उसने हमें बताया आइसोब्यूटाइलिन, भाई दे दिया उसने आइसो ब्यूटाइलिन, कहता है इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो। भाई ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन में चार कार्बन है जिनमें से एक आइसो है, आइसो मीन ब्रांच है। इन ये सजेस्ट कर रहा है कि कहीं डबल बॉन्ड किसी जगह पे आप डबल बॉन्ड डाल दो, चले मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी आप हाइड्रोजन इसके पूरे कर दो, इसके तीन हाइड्रोजन, इसके तीन, सॉरी तीन, इसके दो हाइड्रोजन और इसके तीन, ये आपका आइसोब्यूटाइलिन। अब आप इसका नाम आयोपैक भी रख सकते हो, अगर मैं कहूँ कि इसका IUPAC नाम रखो तो आप कहो जी 1 2 3, डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपीन। 1 प्रोपीन नहीं लिखा मैंने, क्योंकि प्रोपीन प्रो इधर डबल बॉन्ड जाए या इधर जाए, ये 1 प्रोपीन ही रहेगा। ये आपका पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड देखें, 2 3 4 4 tetramethyl 2 hexene, 2 3 4 4 tetramethyl 2 hexene, ठीक है जी। अब हमें कैसे पता चलेगा, 2 पेंटीन लिखा हुआ है वैसे बुक में इसने, 2 पेंटीन कर लेते हैं, नो वरी एट ऑल, 2 पेंटीन क्या मतलब, पेंटीन हमें सजेस्ट कर रहा है कि पेरेंट चेन की लेंथ जो है वो 5 है, 5 हो गई। और दूसरे नंबर पे किसी भी साइड से 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड डाल दो, 2 पेंटीन हो गया। अब मिथाइल कहता है एक 2 नंबर कार्बन पे है, एक 3 नंबर पे है और 2 4 नंबर पे है, ठीक हो गया। ये आपका कंपाउंड है, इसके अब हाइड्रोजन पूरे कर लो, CH3 CH3, बस ये आपका कंपाउंड है 2 2 3 4 4 ट्राई मिथाइल 2 पेंटीन। हमने फॉर्मूले से स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। नेक्स्ट है 4 5 डाई मिथा, नहीं 2 5 हेप्टा डाई इन, टू फाइव हेप्टा डाई इन, हेप्ट मीन 7, मदर चेन की लेंथ 7 होनी। जी जी बोर्ड नजर नहीं आ रहा, शाबाश, पहले नहीं बताया। देखें जी, सारे लोग खामोशी से बैठे हुए। आइसोब्यूटाइलिन 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपीन इसका नाम है, आइसोब्यूटाइल हमने लिख लिया। अब है 2 3 4 4 ट्राई मिथाइल पेंटीन, ठीक हो गया। इसके बाद है 2 5 हेप्ट डाई इन, भाई हेप्ट का मतलब 7 है, 6 7, 7 कार्बन है 2 और 5 पे, इधर 2 इधर से फर्स्ट हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं और 5 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, बस ये आपका कंपाउंड है 2 5 हेप्टा डाई इन। अब इधर हाइड्रोजन दे दो, CH CH CH2 CH CH और CH3, इसका नाम है, देखो 2 और 5 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर से अगर काउंटिंग स्टार्ट की जाए 2 5 हेप्ट डाई ई, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है आपका 4 5 डाई मिथाइल 2 हेक्सीन,
फोर फाइव डाई मिथाइल, डाई मिथाइल टू हेक्स इन, हेक्स इन यानी कार्बन की पेरेंट चेन लेंथ या मेन चेन की लेंथ सिक्स है, बोले थी मैं टू पे डबल बॉन्ड है, इधर से या इधर से टू पे डबल बॉन्ड डाल दिया। अब फोर और फाइव पे दो मिथाइल लगे हुए हैं, फोर ये कार्बन नंबर फोर बनता है इस तरफ से और ये फाइव बनता है, लो जी ये आपका कंपाउंड है। अब आप इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो, सी एच थ्री सी एच सी एच सी एच सी एच और सी एच थ्री, इसका नाम है इधर से काउंट करो टू पे हेक्सीन है, टोटल मदर लेन है, फोर फाइव पे दो मिथाइल है। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा कि नंबरिंग हमने किधर से स्टार्ट करनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है हमने उधर से, हालांकि सब्सिट्यूएंट करीब था लेकिन हमने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है जहाँ तक नंबरिंग का सवाल है। ठीक हो गया, ये थे हमारे कुछ कंपाउंड। ठीक है, अब आपने लिखना है फार्मूला विनाइल एसिटाइलीन, आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट ए का पांचवा और 11 पार्ट है, बल्कि एक और मैं लिख लूं, 3N-propyl-1,4-pentadiene कंपाउंड नेम देखें, 3N-propyl 3N-propyl-1,4-pentadiene भी इस, ये पेंटाडाइन कह रहा है कि पांच कार्बन होने चाहिए मेन चेन में, दे देते हैं पांच, ये देखें पांच कार्बन हमने दे दिए, तो अब किस किस पे डबल बॉन्ड है, वन और फोर पे, वन और फोर पे डबल बॉन्ड है। अब और 3N-propyl 3 पे जो है इस तरफ से अगर आप खोलो तो 3 पे N-propyl है, ये N मीन नॉर्मल सीधी चेन वाला। ठीक है जी, अब आप इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो, ठीक हो गया जी, ये आपका कंपाउंड है, दिस इज योर N-propyl 3 पे है ये, 3N-propyl-1,4 पे डबल बॉन्ड है, 1,4-pentadiene। ठीक हो गया, तो इस तरह